मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस किस बात का त्याग जरूरी है, और उत्तर में बाबा कहते हैं, देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए हो तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान उवाच, अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परमपिता परमात्मा से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख ना सके और कानों द्वारा सुन ना सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं, मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं, उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं कि बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं है, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी, यह मेरा पति है, वह कहेगा, यह मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे, यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं, मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने का कारण बच्चे बहुत थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा नहीं लगा सकते, माया की बहुत ठोकरे खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। तो स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं, मैं तुम सज्जनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है।
थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं, परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांति में कैसे रहें, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में क्षीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब हैं जब उनका कोई निधौनी नहीं है, माता पिता को नहीं जानते हैं। गाते भी हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं है तो बाप कृपा कैसे करे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो, वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे। कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, ये कृपा उनके ऊपर करे, और फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए, यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उन शिक्षक परम सतगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य कराता हूँ। पति तो दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर ना सके, वहां माया है ही नहीं है, है ही गोल्डन एज सिल्वर एज। सत्युग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं कि चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, गाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, और फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख करे वह बहादुरी दिखाए जो टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वह वहां नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पति तो दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है, यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर हैं। बाबा कहते अनेक मत मतांतर में मूंछ गए हैं, यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे, सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, कितनी मेहनत की,
तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो, बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी हैं, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है कि सन्यासी पर वारी जाऊं, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, वह कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की ही रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकना चूर। जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कि कदम कदम संभाल कर चलो। अब माया का अंत होने वाला है तो माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़िया मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विक्रम से ना होती है। बाबा के पास सारा हिसाब किताब रहता है। आप सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। धृति ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए, भल वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, नीचे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न तारे देखते हो,
ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी दिव्य मूर्ति, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। तो स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति।